टीम इंडिया के नए सेलेक्टर्स का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने महिला सेलेक्ट कमेटी और जूनियर क्रिकेट कमेटी का ऐलान कर दिया है। सुलक्षणा नायक, अशोक मल्होत्रा और जतिन पराजंपे की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने श्यामा डे शॉ और वीएस तिलक नायडू के नाम की सिफारिश की। श्यामा और तिलक को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। श्यामा भारतीय पूर्व ऑलराउंडर। श्यामा ने भारत के लिए 3 टेस्ट 5 वनडे सहित कुल 8 मैच खेले। 1985 से 1997 तक वो घरेलू क्रिकेट में बंगाल की तरफ से खेलती रही। इसके बाद 1998 से 2002 के बीच उन्होंने रेलवे का प्रतिनिधित्व किया। क्रिकेट करियर को अलविदा कहने के बाद वो बंगाल की सिलेक्टर भी रही। वहीं नायडू पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। 1998 से 2010 तक वो घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक की तरफ से खेले। दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी में साउथ जोन का प्रतिनिधित्व भी किया है। 93 फर्स्ट क्लास मैच में उनके नाम 4386 रन। 2013 से 2016 तक वो कर्नाटक स्टेट एसोसिएशन की जूनियर सेलेक्ट कमेटी के मुख्य चयनकर्ता थे। 2015-16 सीजन में वो सीनियर टीम के सेलेक्टर भी थे। वहीं भारतीय महिला टीम के लिए अगले महीने काफी बिजी होने वाले हैं। अगले महीने 3 वनडे और 3 T20 की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा किया जाएगा। इसके बाद सितंबर में घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज भारत खेलेगा। विमेन सिलेक्शन कमेटी कुछ इस प्रकार है। नीतू डेविड, रेणु मार्गरेट, आरती वैद्या, कल्पना वेंकटचा, श्यामा डे शॉ। जूनियर क्रिकेट कमेटी कुछ इस प्रकार है। वीएस तिलक नायडू चेयरपर्सन, राणा देव बोस, हरविंदर सिंह, पथिक पटेल और कृष्णा मोहन।